प्रतापगढ़ के लालगंज कस्बे में कोतवाल तुषार दत्त्यागी मई टीम के साथ एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में लाखों की शराब पकड़ी गई। एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में शामिल आरोपियों का किया खुलासा। सीओ अपनी टीम के साथ और स्वाट प्रभारी ने एक जगह पर छापा मारा है। ये रोडवेज के सामने की दुकान है, एक शराब की, उसी के बगल की मकान में अवैध रूप से तीन व्यक्ति शराब का मिश्रण कर रहे थे, जिसको इन लोगों ने पकड़ा और उनके पास से पेटी देसी और 38 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें देसी में लगभग 4,977 पाव शराब और इसमें अंग्रेजी में 1,405 छोटी बड़ी बोतलें बरामद हुई, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 5 से 6 लाख रुपए है। दोनों की मिला के बरामद की गई। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम बताए और ये बताया कि वो लगभग 15 से 20 दिन से इस तरह का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर सरकारी शराब की दुकान पर बेची जानी थी। मौके से तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और उनके विरुद्ध 420, 467, 468, 472 आईपीसी किया गया है और मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। कहाँ की बनी शराब है? ये बाहर अदर स्टेट की शराब है, जिसको यहाँ मिला के उसको बनाया जा रहा है। रैपर वगैरह यहाँ के लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला परसों भी पकड़ा गया था महेशगढ़ थाना के अंतर्गत, तो वही पुनरावृत्ति यहाँ भी हुई है। बार बार ये जो है उनका हौसला बढ़ रहा है, इस तरह से वो अंजाम दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा रहा है, इस तरह के काम कर रहे हैं जी। उनके विरुद्ध जी, जैसे सूचना मिल रही है सूचना पर ही कार्रवाई की गई जी। नहीं, कहने का मतलब कि पुलिस तो कार्रवाई करती रहती है, बीते कई वर्षों से कर रही है, लेकिन फिर भी इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और ये जो है अंजाम देते रहते हैं। नहीं, इस तरह का अंजाम देने वालों के भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और उनके हौसले मस्त किए हैं जी। पुलिस विभाग का ही कोई व्यक्ति जो है जो शराब माफिया उनके साथ सेल्फी लेता है, ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शराब माफिया इस तरह से अवैध कार्य में लिप्त है और उसके साथ कोई हमारा पुलिस वाला कोई उसके साथ अवैध कार्य में अगर मिलता है उसके साथ, तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जाए। दरअसल कन्हैया थाना का मामला है, वहाँ एक सिपाही कभी इस तरह सेल्फी लिया था किसी ने, या तो अगर ये इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई। ओके सर, नहीं सॉरी, ये नाम है विजय कुमार, संदीप कुमार पटेल। दूसरा